हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम अमित कपूर, योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं राहु केतु का ट्रांजिट। गोचर में, ट्रांजिट में, 2019 में सबसे बड़ा ट्रांजिट हो रहा है। राहु केतु अपना साइन चेंज कर रहे हैं 7th मार्च 2019 को, नेक्स्ट 18 मंथ के लिए। आई रिपीट दिस डेट, फ्रॉम 7th मार्च 2019 टू नेक्स्ट 18 मंथ, यानी 1.5 ईयर के लिए राहु केतु विल चेंज अवर साइन फ्रॉम कैंसर टू जेमिनी। राहु जो इस समय कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो कैंसर से जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। केतु जो कि इस समय कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो जुपिटर के साइन सेजिटेरियस में सैटर्न के साथ कंजक्शन कर मार्च 2019 से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। कई सबसे पहले मैं आपको राहु केतु की कुछ नेचर के बारे में बताना चाहूँगा अपना प्रडिक्शन शुरू करने से पहले। गाइज, राहु एक साइन में 18 मंथ रहता है। केतु राहु के बिल्कुल ऑपोजिट 7th हाउस में 18 मंथ रहता है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। राहु को सिर माना गया है और केतु को धड़ माना गया है। राहु की प्रवृत्ति है देने की, आपको कुछ ना कुछ देने की। राहु केतु की प्रवृत्ति है लेने की। राहु की नेचर है कुछ ना कुछ रहस्यमय ढंग से आपकी जिंदगी में करना। अगर किसी के ऊपर राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, तो राहु की दशा में ऐसे लोग मैंने या तो बहुत तरक्की करते देखे हैं, तो या बहुत सफर करते हुए देखे हैं। राहु कभी भी इंसान को बैलेंस नहीं रहने देता। राहु कभी भी इंसान को वास्तविकता में नहीं रहने देता। राहु हमेशा इंसान को वास्तविकता से दूर रखता है, यानी कि आपके प्रेजेंट हालात से राहु हमेशा आपको दूर रखेगा। इससे ऑपोजिट केतु, केतु भी 18 मंथ एक साइन में ट्रांजिट करता है, लेकिन केतु की जो नेचर है वो बहुत ही राहु से डिफरेंट है। केतु एक इंट्यूशन का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। केतु आध्यात्मिक है। केतु इंसान से लेने का काम करता है। अगर राहु देने का काम करता है, तो केतु लेने का काम करता है। गाइज, इन दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये ट्रांजिट में या हमेशा बर्थ चार्ट में भी आमने सामने ही ट्रांजिट करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, तो 7th हाउस में केतु होगा। अगर सेकेंड हाउस में राहु है, तो 8th हाउस में केतु होगा, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट एक दूसरे के आमने सामने ही चलता है और ये हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। राहु केतु हमेशा ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। सो गाइज, राहु के बारे में एक चीज़ ये देखी गई है कि इंसान की अगर हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर राहु आपके नेटल चार्ट में बेनिफिटेड है, तो लोगों को राहु की दशा में, महादशा में, जो कि 18 साल की होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लोग बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। एक मीडियम फैमिली में बर्थ लेकर भी इंसान राहु की महादशा में बड़ा सक्सेस हासिल करता है। गाइज, राहु का काम है अनएक्सपेक्टेड गेन्स देना, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देना। आपके साथ कुछ अच्छा भी राहु कर सकता है, अचानक से कुछ बुरा भी कर सकता है, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति क्या है, राहु एक शैडो प्लैनेट है। राहु की गिनती हम प्लैनेट्स में नहीं करते, राहु शैडो प्लैनेट है। इवन मेरी रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूं, एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करता हूं, राहु इज द शैडो ऑफ सैटर्न, शनि देव की छाया को राहु माना गया है। उसी तरीके से गाइस, जो केतु है, अगर जिन लोगों के ऊपर केतु की दशा होती है, वो भी पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जाता है। अगर केतु आपका एग्जाल्टेड मोशन में है, अच्छे हाउस में है, त्रिकोण में बैठा है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में एग्जाल्टेड होकर बैठा हुआ है, तो राहु की महादशा या अंतरदशा बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग जाती है। अदरवाइज राहु केतु की दशाओं में 80-90% लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, प्रेजेंट हालातों से दूर रहते हुए देखा है। चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं कर सकती जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो। राहु केतु की दशा में स्ट्रगल बार बार करनी पड़ती है। इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आती। सो गाइज, आज मैं आपको ट्रांजिट में जो राहु केतु का चेंज हो रहा है 7th मार्च 2019 से नेक्स्ट 18 मंथ के लिए, उसके बारे में आपको आपके असेंडेंस के बेस्ड पे कुछ बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, पहली सबसे बड़ी बात ये, आपके नेटल चार्ट में राहु केतु की क्या प्लेसमेंट है। ट्रांजिट के राहु केतु उस हिसाब से बेनिफिट देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बाय बर्थ, जब आपका बर्थ हुआ, राहु केतु आपके नेटल चार्ट में किस हाउसेस में प्लेस्ड हैं, और इस समय 7th मार्च 2019 के बाद आपके बर्थ के राहु से और केतु से ट्रांजिट के राहु केतु किस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है अगर हम कोई भी हॉरोस्कोप को स्टडी करते हैं तो। सो गाइज, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राहु केतु का ट्रांजिट, जो कि कैंसर साइन में राहु और सेजिटेरियस साइन में केतु का ट्रांजिट हो रहा है 7th मार्च 2019
19 से नेक्स्ट 18 मंथ के लिए। गाइज एक चीज मैं और आपसे क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे यानी आपके लगन राशि पे बेस्ड है। आई रिपीट दिस, माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंस साइन। अगर आपको आपका लगन पता है, आपके ऊपर राहु केतु का ये चेंज 75-80% ये प्रेडिक्शंस अप्लाई होंगी। अगर आप इसको मून साइन समझकर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके ऊपर वो प्रेडिक्शन 60% आपके ऊपर अप्लाई होगी। आई रिपीट दिस, अगर आपको आपके असेंडेंस का पता है, आपके असेंडेंस का कौन सा साइन है, तो आपके ऊपर ये प्रेडिक्शंस 75-80% अप्लाई होंगी। अगर आप मून साइन को समझकर, मून साइन को माइंड में रखकर इस मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपके ऊपर ये प्रेडिक्शंस 60-65% अप्लाई होंगी। तो गाइस पेश करते हैं आपके सामने राहु केतु का ट्रांजिट। लेट स्टार्ट फॉर द एक्वेरियस असेंडेंस। फॉर एक्वेरियस असेंडेंस, राहु केतु ट्रांजिट अवर साइन फ्रॉम 7th मार्च 2019 टू नेक्स्ट 18 मंथ। गाइज आपके लिए राहु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 7th मार्च 2019 से अगले 18 महीने के लिए। पहले बात करेंगे राहु के इफेक्ट्स की। गाइज राहु का इफेक्ट आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में राहु आपके लिए स्पेकुलेशन से गेन लेकर आ रहा है, आपके लिए घर में खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपके घर में नए बच्चे का जन्म हो सकता है, आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजिंग आ सकती है। अगर आपका लव अफेयर है तो आपका लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाल्टेड राहु 5th हाउस में, क्योंकि त्रिकोण में है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में राहु अगर अकेला आकर बैठ जाए तो स्वतंत्र राजयोग होता है, इसमें काफ़ी बेनिफिट्स और अचीवमेंट्स मिलती हैं। गाइस 5th हाउस में राहु का एग्जाल्टेड होना आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा, आपको स्पेकुलेशन से अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, स्टॉक मार्केट आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, बिजनेस में एक्सपेंशन और ग्रोथ होगी। राहु का 5वां एस्पेक्ट यानी राहु की 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, फॉरेन जर्नीज रह सकती हैं, फॉरेन ट्रैवल रह सकता है, फॉर्चून आपके फेवर में होगा, आपके लिए नई अचीवमेंट्स, नया फेम, नई प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। राहु का 7वां एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। गाइस आपको मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग रहेगी, फाइनेंसिस आपके मच बेटर रहेंगे, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो हमेशा अच्छा फल देता है, और राहु का एस्पेक्ट 11th हाउस में आपकी चीज़ों को और बेटर करेगा। राहु का 9th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस में होगा। गाइस आप थोड़ा सा लेजी फील करोगे, चीज़ों में कुछ डिले हो सकता है, आप आज का काम कल पे पेंडिंग करोगे, आप अपनी डेली रूटीन में कुछ प्रॉब्लम्स देखोगे जो आपके लिए स्ट्रगलसम रहेंगी। आप अपनी डेली रूटीन को ख़राब मत होने दें, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट जब भी लगन पे पड़ेगा आदमी की रूटीन वैसी नहीं होगी जैसी वो चाहता है। तो गाइज आपके लिए जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, खास करके राहु का एग्जाल्टेड मोशन 5th हाउस में अचीवमेंट, फेम, प्रॉस्पेरिटी और ढेर सारी उपलब्धियां आपके लिए लेकर आ रहा है। अब बात करेंगे केतु की। गाइज 7th मार्च 2019 से लेकर अगले 18 महीने तक केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन 7th मार्च 2019 से लेकर 24th जनवरी 2020 तक केतु और सैटर्न का कंजक्शन होगा आपके 11th हाउस में। गाइस 11th हाउस लाभ का घर है, गेन्स का घर है, आपके मटेरियलिस्टिक गेन, स्पिरिचुअल गेन, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर्स, एल्डर सिबलिंग्स, ये सब 11th हाउस है। गाइस 11th हाउस में जब भी आपका शनि केतु का कंजक्शन होगा या केतु ट्रांजिट करना शुरू करेगा, आपको फाइनेंसिस में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपके फाइनेंस मच बेटर होंगे, मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग होगी, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी वर्कआउट करेंगी, एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, माइंड आपका स्टेबिलिटी से चलेगा, आप जो भी प्लानिंग करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी, लोग आपके पास एडवाइस लेने आएंगे। केतु 11th हाउस में सबसे ज़्यादा प्रबल और अच्छा माना गया है, और सैटर्न का खुद का घर है 11th हाउस। सो गाइज आपके लिए ये टाइम अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है। गेन सिर्फ पैसे के नहीं होते, गेन कभी कभी नॉलेज के भी होते हैं। आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, इंट्यूशंस पावर आपकी काम करेंगी, आध्यात्मिकता की ओर आप जाओगे, पॉजिटिव वे के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको फाइनेंस में अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलने वाला है। सो गाइज ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ला रहा है। नो मोर अबाउट दिस राहु केतु ट्रांजिट 2019, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।